हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम यहां पे एम देखने वाले हैं जो कि कंप्यूटर एब्रेविएशन से रिलेटेड हैं तो इसमें हम एब्रेविएशन तो देखेंगे मतलब फुल फॉर्म देखेंगे एंड जो भी हम फुल फॉर्म जिसका भी देखेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो एक तरीके से आपको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर क्लियर होती जाएगी ओके okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट डज सी स्टैंड फॉर सी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है एंड जो भी कैलकुलेशंस uh, होते हैं वो हम जनरल पर्पस जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो ये परफॉर्म करता है जैसे बेसिक अर्थमेटिक हो गया लॉजिकल हो गया कंट्रोल हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेक्स्ट है व्हाट डस रेम स्टैंड फॉर रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक तरीके की मेमोरी होती है जिसको सीपीयू यूज़ करता है सीपीयू इस उसमें इसमें से रीड करता है राइट करता है तो सीपीयू इसको एक्सेस करता है एंड ये जो मेमोरी होती है वो रैंडमली uh, एक्सेस हो पाती है इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है और ये वॉलीटाइल मेमोरी है मतलब इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ़ करते हो या फिर रीस्टार्ट करते हो तो इसमें से जो डेटा है वो लॉस हो जाता है तो जो भी हमारी एक्टिव प्रोसेस होती हैं जैसे हमारे सिस्टम में जो भी अभी करेंट में प्रोसेस या प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो उनका डेटा इसके अंदर रहता है वॉट डज जी पी यू स्टैंड फॉर जी का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो इसका आंसर रहेगा थर्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो जी पी होता है ग्राफिक्स के लिए जैसे सी की हमने बात की थी तो सी जो है एक जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए होता है मतलब अर्थमेटिक वगैरह अलग अलग तरीके के कंप्यूटेशंस वो कर सकता है बट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट स्पेशली ग्राफिक्स के लिए होता है जब भी हमें ज़रूरत होती है कि हमें फास्ट वे में विजुअल कंटेंट को रेंडर करवाना है जैसे कि इमेजेस हो गया वीडियोस हो गए ग्राफिक्स हो गए उनको फ़ास्ट वे में रेंडर करवाना है रैपिड वे में तो वहाँ पे जीपीयू का यूज़ किया जाता है तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है गेमिंग सिस्टम्स में वर्क स्टेशन में ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पर विज़ुल कंटेंट को एफ़िशेंट एंड फ़ास्ट रेंडरिंग की ज़रूरत होती है वॉट डस एच एच डी डी स्टैंड फॉर एच डी डी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव तो इसका आंसर रहेगा बी हार्ड डिस्क ड्राइव तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक मेमोरी होती है एंड ये परमानेंट मेमोरी होती है जैसे रेम हमारा वॉलेटाइल होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है ये इसमें जो भी डेटा है वो परमानेंट रहता है लॉन्ग टर्म के लिए रहता है जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो भी फाइल्स हम रखते हैं पिक्चर्स पी वगैरह इमेजस वीडियोज़ जो भी रखते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं जैसे अभी ये मेरा जो वर्ड फाइल है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है ओके वॉट डज एस एस डी स्टैंड फॉर एस एस डी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव तो आंसर रहेगा ए सॉलिड स्टेट ड्राइव तो जो भी आप अपने कंप्यूटर में मेमोरी देखते हैं जैसे आपके सिस्टम में ये सब जो ड्राइव्स हैं सी ड्राइव डी ड्राइव इस तरीके से जो ड्राइव होती हैं वो आपका हार्ड डिस्क की तो होता है वैसे आजकल हार्ड डिस्क की जगह ज़्यादा यूज़ होने लगा है एस एस ज़्यादा फास्ट होता है एस कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव के क्योंकि इसमें फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है तो आजकल के सिस्टम्स में हार्ड डिस्क की जगह एस यूज़ किया जाता है या फिर एस का कुछ पार्ट दिया जाता है और थोड़ा हमें हार्ड डिस्क भी दिया जाता है ओके okay? एंड ये भी जो होता है परमानेंट मेमोरी सेम हार्ड डिस्क लाइक बट फास्ट ओके वॉट डज़ बायोस स्टेंट फॉर बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो इसका आंसर रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या होता है एक फर्मवेयर होता है फर्मवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड पे ये हमें दिया होता है ठीक है पहले से ही हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड में होता है इसमें हम कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं परफॉर्म करते हैं ठीक है इसमें जो भी चेंजेस जो भी इसमें हमें कन्फिगेशन करके दिया जाता है वो पहले से ही करके दिया जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसका मेन जो टास्क होता है वो जो भी स्टार्टिंग टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम इसका रहता है ठीक है जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी पे लोड करने का काम बायोस का होता है एंड बायोस के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम क्लोक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है एंड अदर जो सेटिंग्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है इसमें हम बूटिंग का ऑर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं वॉट डज यू एस बी स्टैंड फॉर यू एस बी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है पहला वाला आंसर रहेगा यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर है एंड यू एस बी पोर्ट्स तो आपने देखे ही होंगे आजकल आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं जिसको हम यू बोलते हैं वैसे तो पेन ड्राइव हमारा एक यू डिवाइस होता है जिसको हम यू पोर्ट से कनेक्ट करते हैं माउस भी आजकल यू होते हैं कीबोर्ड्स भी यू के मिलते हैं जो हम यू पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं तो यू क्या है एक इंटरफेस होता है जिसकी मदद मतलब से हम दूसरे डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं जैसे कीबोर्ड माउस प्रिंटर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस तो यू डिवाइस आजकल कंप्यूटर्स के अलावा दूसरे डिवाइसेस में भी हमें मिलने लगे हैं एंड इसको हम हॉट प्लगिंग बोलते हैं हॉट प्लगिंग मतलब इसमें हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आप कभी भी सिस्टम आपका ओन है उसी समय आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हो तो ये हॉट प्लगिंग हमें प्रोवाइड करते हैं वॉट डज लेन स्टैंड फॉर लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क तो इसका आंसर रहेगा पहला वाला ए लोकल एरिया नेटवर्क तो ऐसा नेटवर्क जो एक छोटे लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है जैसे होम में ऑफिस बिल्डिंग में कैंपस में तो उसको हम बोलेंगे लेन, लोकल एरिया नेटवर्क व्हाट डज़ वेन वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क इसका आंसर रहेगा ए जब हम मल्टीपल लेन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं अदर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो वेन कहलाता है इसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आ जाता है वॉट डज डी एन एस स्टैंड फॉर डी एन एस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम तो इसका भी आंसर रहेगा ए तो कोई भी आप वेबसाइट देखते हो जैसे गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम तो उन वेबसाइट्स का जो नाम होता है उस उन उस नाम के पीछे क्या होता है एक आई पी एड्रेस होता है ठीक है तो डोमेन नेम सिस्टम का वही काम होता है ट्रांसलेट करना उस नाम को उस न्यूमरिक फॉर्म में ठीक है हमें तो एक नाम दिया जाता है ताकि हम इजीली उसको यूज़ कर पाएँ उस नाम को हमें इजीली याद रहता है नंबर्स हमें याद नहीं होते तो इसीलिए हमें एक नाम दिया जाता है जैसे पंजवानी सॉफ्टवेयर्स डॉट कॉम पंजवानी ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम बट उसके पीछे कोई न्यूमरिक वैल्यू होती है तो उस न्यूमरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है डोमेन नेम सिस्टम का होता है तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है एक डायरेक्ट्री की तरह हमें परफॉर्म कर करता है आ, मतलब जो भी डोमेन नेम्स होते हैं उनको उनके आईपी एड्रेस से वो ट्रांसलेट करता है ओके एंड राउटिंग जो भी होता है राउटिंग परफॉर्म करता है ताकि जो पैकेट्स वगैरह हैं वो परफेक्ट डेस्टिनेशन तक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक जा पाए ओके वॉट डज आई पी स्टैंड फॉर आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है ये वाला ऑप्शन हमारा सही था डोमेन नेम सिस्टम एंड आईपी का फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है एंड ये क्या होता है एक प्रोटोकॉल होता है तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है सेट ऑफ रूल्स ठीक है तो इंटरनेट के लिए हमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं जैसे एच होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टी सी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग तरीके के वर्क के लिए तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है ये इसके अंदर रूल्स होते हैं ये देखता है कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो कैसे सेंड हो रहा है कौन सी उसमें राउटिंग यूज़ करना है एंड कैसे वो रिसीव होंगे ठीक है एंड ये हमें एड्रेसिंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है कि जो नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस हैं सबका एक यूनिक एड्रेस ही हमें देता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो ये एक तरीके का कोडिंग लैंग्वेज होता है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं एंड जो कोडिंग हम करते हैं उसका आउटपुट हमें ब्राउज़र्स पे मिलता है ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया मोजिला हो गया माइक्रोसॉफ़्ट एज हो गया तो उन पर हम इसका आउटपुट देख सकते हैं तो एच से हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं जो कि हमें ब्राउज़र पर आउटपुट जो दिखता है जो भी वेबसाइट्स हम देखते हैं उसमें एच का यूज़ किया जाता है तो एच काफ़ी बेसिक होता है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एच के साथ अदर लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया जाता है ताकि और भी ज़्यादा पेजेस को स्टाइलिश बनाया जाए इंटरेक्टिव बनाया जाए जैसे उसमें सी यूज़ किया जाता है जावा यूज़ किया जाता है एंड कोई सर्वर साइड लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है बट जो बेसिक स्ट्रक्चर हम किसी भी वेब पेज का डिज़ाइन करते हैं तो वो एच से डिज़ाइन करते हैं जो भी हेडिंग्स हैं पैराग्राफ्स हैं नेविगेशन लिंक्स हैं इमेजेस वगैरह हैं वो सब हम एच के थ्रू ही लगाते हैं वॉट डज सी एस एस स्टैंड फॉर तो सी एस एस को यूज़ किया जाता है एच टी एम एल के साथ सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका आंसर रहेगा बी तो कास्केडिंग स्टाइल शीट को हम एच टी एम एल के साथ यूज़ करते हैं जो एच टी एम एल में हम पैराग्राफ्स एंड इमेज़ वगैरह लगाते हैं तो उनको अच्छा लुक देने के लिए हम सी एस एस को यूज़ करते हैं एंड प्रॉपर वे में जो डिज़ाइनिंग हम परफॉर्म कर पाते हैं एच के ऊपर तो वो सी के थ्रू करते हैं वर्ड डस जे एस स्टैंड फॉर जे एस का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट तो इसका आंसर रहेगा बी जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट क्या होता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है एंड जो भी एच टी एम एल सी एस एस का यूज़ करके हमने वेब पेजेस बनाए हैं उनमें उनमें इंटरेक्टिविटी लाने के लिए एंड उनको डायनेमिक बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है ठीक है जैसे हमें कुछ इवेंट्स पे इवेंट ड्रिवन कुछ कोडिंग करना है जब माउस लेके जाएँ तो हमारा ये ऑपरेशन उप, परफॉर्म हो माउस हटाएं किसी चीज़ से तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो तो वो सारी चीज़ें हम जावा से कर सकते हैं ठीक है डेटा को वैलिडेशन कर सकते हैं कि जो हमने फॉर्म्स फिल किए हैं तो उसमें जो हमने डिसाइड किया है कि मोबाइल नंबर टेन डिजिट्स का होना चाहिए ईमेल आईडी में इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए तो वो सब हम जे से कर सकते हैं एंड जे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों पे ये यूज़ होता है व्हाट डज पी एच पी स्टैंड फॉर पी एच पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा पी एच पी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर अब पी एच पी क्या एक सर्वर साइड है जैसे हमने एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट की बात की तो वो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस थे जावा स्क्रिप्ट हालाँकि सर्वर और क्लाइंट दोनों पर यूज़ होता है बट पी एच पी इज़ स्पेशली फॉर सर्वर साइड ठीक है और ये जो है वेब डेवलपमेंट के लिए होता है इससे हम डायनामिक वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं मतलब इसमें हमारा डेटा बेस भी आ जाता है तो जो भी लॉजिक्स हमें लिखने होते हैं वेबसाइट्स के लिए वो हम इसके थ्रू लिख सकते हैं एंड डेटा बेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वॉट डज एस क्यूएल स्टैंड फॉर एक्स एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो इसका आंसर रहेगा ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो ये एक लैंग्वेज होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे डेटाबेस में हमें कोई भी वर्क करना है हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं एंड टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना है अपडेट करना है डिलीट करना है डेटा जो हमने इंसर्ट किया उसको सर्च करके लाना है तो उन सब के लिए इसमें कमांड्स होती हैं ठीक है थीके? इंसर्ट की कमांड अपडेट की कमांड ऐसी बहुत सारी कमांड्स ही हमें देता है डी एम एल डी सी एल अलग अलग तरीके का इसका क्लासिफिकेशन होता है तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो भी हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे माई एस क्यू एल है औरकल है एस क्यू एल सर्वर है तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स जो हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ठीक है तो सभी में ये कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती है थोड़ा माइनर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वॉट डज एच टी टी पी स्टैंड फॉर एच का मतलब होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो ये भी एक प्रोटोकॉल है जैसे हमने आई की बात की तो वो एक प्रोटोकॉल था जो कि हमें एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है एंड हाइपर टेक्स्ट क्या करता है ट्रांसफ़र करने के काम आता है क्या ट्रांसफर करने के काम आता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र करने के काम आता है इसका सही आंसर है ए हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया जो हमारे एच डॉक्यूमेंट्स होते हैं इमेजेस होते हैं वीडियोज़ होते हैं तो जो भी हमारे इंटरनेट पे हम मतलब जो रिक्वेस्ट करते हैं हमने कोई वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो सर्वर पे जाता है फिर वहाँ से हमें रिस्पॉन्स में एक आउटपुट जो पेज हमें मिलता है ठीक है आउटपुट जो डिस्प्ले होता है इमेजेस होते हैं उसमें वीडियोस होते हैं जो भी पूरा एच का आउटपुट हमें मिलता है तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में तो उसको गवर्न करता है उसके जो रूल्स होते हैं वो एच के पास होते हैं वॉट डज एच टी टी पी एस स्टैंड फॉर एच टी टी पी एस अब इसमें क्या होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की तरह बाक़ी सब चीज़ें रहती हैं लेकिन इसमें एडिशनली क्या होता है हमें सिक्योरिटी भी ऐड करके दी जाती है तो ये जो है इसका आंसर रहेगा सी हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर तो इसमें हमें सिक्योर सॉकेट लेयर को दिया जाता है साथ में एंड टी एल एस ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को दिया जाता है एच टी टी पी के साथ तो इससे क्या होता है जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाइंट सर्वर के बीच में वो इनक्रिप्टिड वे में होगा ठीक है मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो इनक्रिप्टेड रहेगा तो बीच में अगर कोई हैकर उसको हैक कर लेता है डेटा को तो उसके पास वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा ओके आप देखते हो कि वेबसाइट्स में या तो यू में एच लिखा रहता है या तो एच लिखा रहता है तो एच टी टी पी एस जहाँ पर होता है वो ज़्यादा सिक्योर होती है तो ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हो जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया पासवर्ड्स हो गए तो वहाँ पे एच जरूरी होता है एंड उसके सामने एक लॉक का सिंबल भी आता है अगर आप देखोगे एच लिखा रहेगा यू में उसके यहाँ पर आपको एक लॉक का सिम्बल भी मिलेगा ओके वॉट डज़ यू आर एल स्टैंड फॉर यू आर एल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको मैं चेंज कर देता हूं इसको मैं यूनिफॉर्म कर देता हूं यूनिफॉर्म लोकेटर तो यूआरएल का फुल फॉर्म रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या होता है जैसे आप किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस देखते हो आप गूगल डॉट कॉम लिखते हो फेसबुक डॉट कॉम लिखते हो तो तो वो जो डोमेन नेम होता है इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं जैसे आप गूगल डॉट कॉम लिखोगे फेसबुक डॉट कॉम वो क्या हो गया डोमेन नेम हो गया जैसे पंजवानी टुटोरियल्स डॉट कॉम अब इसके आगे क्या होता है प्रोटोकॉल लिखा होता है एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस होता है ठीक है एंड उसके आगे भी कुछ हो सकता है क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं यू आर एल बोलते हैं ठीक है एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लेश गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम तो ये पूरा जो होता है यू आदल कहलाता है इसमें ये वाला पार्ट हमारा डोमेन नेम हो गया एंड ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया एंड इसके आगे भी अगर कुछ लिखा है डॉट कॉम के बाद तो वो भी पूरा मिला के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है यू आदल कहलाता है ओके तो ये थे आज के क्वेश्चनस आई होप कि ये पसंद आए होंगे आपको नाइनटीन क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर लिए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे एंड इसका जो नोट्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग